वांग राजियां ते राणियां दी लाई पूणियां, वांग किंग ते क्वीन जेही लाई पूणियां। स्टोरी जिंदगी दी कीती मैं नरेट वे, हो गल इक्की अद्धे साले आली में थोणी ना, तू मेरी जिंदगी दा सोलमेट वे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम हैं स्विफ्ट LXi मॉडल के साथ। स्विफ्ट LXi जो है वो बेस मॉडल है स्विफ्ट का और ये आता है BS6 इंजन के साथ, जबकि ये काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है। यदि आज की डेट में भी ये बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं। मारुति की ये कार जो है टॉप 5 सेलिंग कार्स में से आती है। इसमें हम बात करेंगे हरप्रीत जी के साथ। हरप्रीत हमारे साथ हैं जो इस गाड़ी को ओन करते हैं। हरप्रीत, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। और हरप्रीत थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हरप्रीत। मैं MNC में काम करता हूँ और साथ के साथ मेरा प्रोफेशन जो है वो मैं सिंगिंग भी करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने अभी गाड़ी ली है, स्विफ्ट LXi। अच्छा, ठीक है। तो हरप्रीत कितना टाइम हुआ इस गाड़ी को लिए हुए? इस गाड़ी को लिए हुआ टाइम आप 6 महीने मान लीजिए, पूरे 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं अभी। अच्छा, 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो बाकी इतना टाइम तो 6 मंथ्स में कितनी चला ली है गाड़ी? अभी 6 मंथ्स में मैंने 3000 किलोमीटर चलाई है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं बीच में जयपुर गया हूँ अपनी इस गाड़ी पे, तो मेरा वहाँ पे बहुत अपनी फैमिली के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है वहाँ पे। ये कितने की पड़ी थी ऑन रोड? कितने की पड़ी थी ऑन रोड? मुझे ये गाड़ी पड़ी है 625 की पड़ी है। अच्छा, 625 के आसपास पड़ी है। तो अर्पित, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आज की डेट में स्विफ्ट क्यों, मतलब स्विफ्ट आपकी जो है वो चॉइस क्यों बनी? इसके साथ साथ जो और भी कंपटीशन में गाड़ियां हैं वो भी कंसीडर करी थी, और कौन कौन सी गाड़ियां थी जो माइंड में थी? सर एक्चुअली मैं माइंड में मेरे गाड़ी तो मतलब अगर ऊपर जाओ तो फिर ऊपर तो बहुत गाड़ियां हैं। हाँ हाँ। लेकिन मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जो मतलब जो मेरी पॉकेट को भी अलाउ करे। ठीक है। और जो मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने गाड़ी ले ली और हम इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं इसकी सर्विसिंग नहीं करवा पा रहा। अच्छा। और मैं मतलब लेके परेशान हो गया हूँ, मैं चला नहीं पा रहा, बाद में ले तो या खर्चा ज्यादा मांग रही है, ली है अब मेरे से चलाई नहीं जा रही, पेट्रोल नहीं मेरे से हो पा रहा। इस चीज इसके अंदर वो सब चीज है जो मतलब कि जो मेरी हर चीज को फुलफिल करता है। नहीं, इसी सेगमेंट की अगर और कार्स की बात करें तो वो सारी कंसीडर की थी या एक प्लान था कि मुझे स्विफ्ट ही लेनी? मैंने सारी कंसीडर करी थी। कौन कौन सी की थी? मैंने कंसीडर करी थी होंडा की गाड़ी करी थी एक, वो भी इससे 50-60 हज़ार ऊपर पड़ अच्छा, रही थी। ठीक है। तो वो थोड़ी लंबी गाड़ी में हो रही थी, सेडान में थी वो। हाँ, सेडान में थी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये भी था कि मैं यहाँ पे आपको पता ही है हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन इशू जो होता है वो होता है पार्किंग का। जी। तो सबसे पहले मैंने अपनी चीज देखी कि मेरे घर के बाहर पार्किंग का सिस्टम है अच्छा कि नहीं। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपना ये देखा कि मेरी मैं गाड़ी लेके आऊंगा तो ये मेरी गाड़ी वहाँ पे आराम से पार्क हो। वो जो दूसरी देख रहा था, मैं होंडा देख रहा था, होंडा की अमेज देख रहा था मैं। फिर मेरा बीच में मन गया मैं बलिनो ले लूं, वो भी मारुति की है लेकिन वो नेक्सा कंपनी की है। हाँ हाँ। मेरा उस पर बहुत ज्यादा मन गया, बट फिर फैमिली ने मुझे कहा कि नहीं इसका भी थोड़ा ये अपग्रेड में ही आ जाती है, बट इसका भी थोड़ा सा वो भी थोड़ी सी बजट से हायर बजट में जा रही थी। तो फिर एट द एंड मुझे यही लगा। और इसके अंदर सबसे बेस्ट ये चीज है कि इसकी जो लुक है अभी बहुत बदल चुकी है पुरानी स्विफ्ट से। अभी स्विफ्ट में हाँ, काफी अच्छी अगर हम इसके थोड़े से अलॉय व्हील और डलवा के, जैसे अगर हम इसको थोड़े से इंची में करवा के अगर हम करेंगे तो ये पूरी मिनी कूपर की लुक, कूपर वाली लुक देती है। तो एक्चुअली वही यूरोपियन हाँ, लुक में उन्होंने मारुति ने लॉन्च किया था सुजुकी के साथ, और वही लुक अभी भी कंटिन्यू करते हुए और कई लोगों ने मॉडिफाई करके वैसी लुक दे भी रखी है। हाँ जी, लोगों ने अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर रखा है इसको, किसी ने अलॉय व्हील्स में इन्वेस्ट करा है या किसी ने एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करा है, किसी ने अलॉय व्हील नहीं। तो मतलब कुल मिला के जो स्विफ्ट लेने का रीजन था वो अभी सामने आ रहा है कि मिनी कूपर बनानी है फ्यूचर में इसको। हाँ जी, यही मान लीजिए कि मिनी कूपर बनानी है। और अच्छा। एक मतलब मुझे थोड़ी डाउन गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। ऊंची गाड़ी भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ऊंची गाड़ी मुझे फॉर्चुनर वगैरह वो भी अच्छी लगती है, बट मुझे मतलब जैसे पर्सनल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे छोटी गाड़ी जो ग्राउंड लेवल के थोड़ी जो चिपक के चले रोड के साथ एकदम चिपक के चले वो मुझे अच्छी लगती है, वो ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है। तो अभी अभी आपने जो आप बताया कि जयपुर होके आए हैं, तो कितनी की एवरेज कितनी दे रही है अभी सर? इसकी एवरेज हाईवे पे 24-25 रही है इसकी एवरेज, जो मुझे मेरी बहुत मतलब, और गाड़ी बहुत स्मूथली गई है, स्मूथली आई है। 80 और 100 की स्पीड में हम मेंटेन करके स्पीड रही है हमारी,
तो हमारी 24-25 की एवरेज रही है सर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि LXi आपने लिया, LXi जो है वो बेस वेरिएंट है, आपने बोला आपकी बजट में था, बट एक 50,000 और में, जैसे LXi में मैंने देखा है कि कंपनी जो है वो ORVMs भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड नहीं देती है, ऑटो फोल्डेबल नहीं देती है, म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, पावर विंडोज नहीं आती है, बहुत सी जो बेसिक चीजें हैं LXi में नहीं आती है, तो 50,000 एक्स्ट्रा में अगर ये सारी चीजें मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है LXi में, तो वो कंसिडर नहीं किया सर? एक्चुअली में मेन ये था कि देखो, हम गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं, हमें मुझे मेन चाहिए होता है कि सफ़र करने के लिए एक अच्छा म्यूजिक चाहिए होता है कि जिससे सफ़र आसानी से हो जाए। हाँ। तो मुझे वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का मुझे एक तो जो इसके अंदर इनफिटेड जो सिस्टम लगा हुआ था, अच्छा, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं अच्छा, आया, वो पसंद नहीं पसंद आया, नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पायनियर के स्पीकर लगे थे, अच्छा, पर वो मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लगे, मतलब अच्छी आवाज थी उनकी, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार थे, बट वो मुझे सफिशिएंट नहीं लगे वो। तो उन्होंने एक स्क्रीन थी उनकी जो एक 6-7 inch की थी, वो भी बहुत छोटी सी लगी मुझे, ठीक है, तो मुझे वहाँ का ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगा वो सिस्टम। बाकी आपने अपनी चॉइस का म्यूजिक सिस्टम लगवाना ज्यादा बेटर समझा। स्टीयरिंग वगैरह का थोड़ा सा मुझे इस चीज का क्रेज नहीं है, सही फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ तो मुझे इन चीजों का नहीं है कि स्टीयरिंग में ये होना चाहिए, हाथों में वो चीज होनी चाहिए, कंट्रोल स्टीयरिंग कंट्रोल वो डाइवर्ट करते हैं चीजों को। अच्छा, ठीक है, और जितना मैनुअल रहे, मतलब जितना वैसे रहे तो उतना ज्यादा ठीक है। हाँ। मतलब जितना कम रहे, पावर विंडोज भी जैसे कंपनी नहीं दे रही है, तो आपने पावर विंडोज मैंने देखा, आपने खुद वहाँ पे इंक्लूडेड इनको थोड़े से पैसे दिए तो उन्होंने मेरी इनफिटेड ही कर दिया वहाँ पे। तो ये अभी चारों विंडोज पावर विंडोज, पूरी चारों विंडोज की 4 पावर विंडो है और सेंटर लॉकिंग भी है इसकी। अच्छा, बस मैंने कंपनी से यही करवाया था। अच्छा, 50,000 थोड़ा सा पैसे ऊपर जाके मॉडल अप हो रहा था, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था। हाँ, वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं वही पैसा मैं बचा के मैं अपनी चॉइस का काम अपनी चॉइस की मैं अलॉय व्हील करवा लूंगा, एक्सेसरीज अलग अलग लगवा लूंगा, मैं थोड़ा बाहर से इसको थोड़ा सा अच्छा सोबर रखूंगा। हाँ, मुझे हाँ। अंदर ऐसा सजाना या नहीं था, आपको बेसिक स्टॉक रखना है और उसमें अपनी चॉइस की चीजें डलवानी, मेन रीजन ये था, तो इसलिए आपने बेस वेरिएंट लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें मारुति की गाड़ी लेने के टाइम पे, जो आजकल लोग हर कोई सबसे पहले दिमाग में रखता है, वो है सेफ्टी। हाँ जी, स्विफ्ट की जो अभी पीछे रेटिंग आई है, आपको पता होगा 0 रेटिंग है। Okay. तो इसके बारे में आपका क्या मतलब चॉइस है कि आजकल हर कोई जो है सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान देता है, सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, क्योंकि सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि जान है तो जहान है। yes, sir. तो अब सेफ्टी की बात करें तो मारुति गाड़ियां जो है वो सबसे पीछे छूट गई है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मारुति को ध्यान देना चाहिए आने वाली गाड़ियों में, कि 3-star, 4-star, 5-star नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन 0 star के साथ तो गाड़ी मतलब जस्टिफाई नहीं करती ना, 6 lakh की गाड़ी। सर, मैं इस चीज का थोड़ा सा फनी वे में लगेगा मेरा आंसर। अच्छा, ठीक है, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रहते हैं दिल्ली में, यहाँ पे आप 20-30 से ऊपर गाड़ी चला नहीं सकते। हाँ। तो आपको जान की खतरा किस चीज का है? नहीं, पर रोड एक्सीडेंट तो हर रोज होते हैं दिल्ली में। रोड एक्सीडेंट मुझे लगता है कि शायद साइड्स लगती हैं, बाकी आप मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे एक बंदा गाड़ी तेज चला सकता है। बाकी रही बात सेफ्टी की, इसके अंदर 2 एयर बैग है जो एक स्टीयरिंग में है और एक डैशबोर्ड में आगे है, आगे की तरफ है, जो मतलब पूरा कवर कर देता उस चीज तो को। ठीक है, हमारे पास यूजर है जो मारुति को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है 0 रेटिंग की गाड़ियां दो, हम फिर भी लेंगे, इसीलिए शायद आज की गाड़ी डेट में अभी भी मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिक रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रेटिंग का मैं क्या, इस चीज का मैं क्या बोलूं कि जो नंबर्स की गेम तो के ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम नंबर्स को मैं तो ये कहूंगा कि एक्सपीरियंसेस ही बताते हैं। रेटिंग तो चलो आजकल तो नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, तो रेटिंग तो नहीं, खैर वो अलग चीज है, ठीक है, भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, जस्टिफाई है कि कोई दिक्कत नहीं है 0 रेटिंग के साथ गाड़ी, आप गाड़ी किससे आप खुश हैं, आपको अच्छे से जब मैनेज कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कॉलीग्स ने एक्सपीरियंस कर रखा है मारुति की गाड़ियों को, और मेरे फैमिली मेंबर्स में से काफी ने, मेरे रिलेटिव्स ने कर रखा है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस में ऐसा शेयर करा तो आपको लगा। मेरे हाँ। पापा ने भी मुझे, स्विफ्ट तो एक ऐसी गाड़ी है जिसके बारे में फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो है, इतने सालों से लोग पसंद कर रहे हैं, 8-8, 10-10 साल लोग गाड़ी रखते हैं और इसमें इंजन का कोई हिलता नहीं है, कोई काम नहीं करवाना पड़ता, ये तो खैर इसमें तो कोई वो नहीं है। कि मेरे पापा का भी ये मानना था कि वो भी कहते कि तू मारुति की गाड़ी लो, कि अगर तू कहीं पे भी जाएगा, ऐसा अगर कहीं पे तू पहाड़ों पे चले तो सर्विस स्टेशन मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल गया तो इसका पार्ट इजी अवेलेबल हर जगह पे आपको मिलेगा। हाँ, आप किसी और कंपनी का लोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कहीं से मंगवाना पड़ सकता है, कहीं से कुछ या हो सकता है आप फंस जाओ, ना मिले। हाँ, ना मिले, कुछ अरेंज कराना पड़ जाए आपको, वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ जाए उस चीज के लिए, लेकिन ये मारुति पार्ट, इसके पार्ट्स ऐसे हैं कि आपको हर जगह पे मिल सकते हैं। अब मारुति की सर्विस के बारे में क्या, अभी कितनी सर्विस हुई है इसकी? सर, इसकी अभी एक सर्विस हुई है, अभी दूसरी सर्विस मेरे ड्यू है, हो चुका है। अच्छा,
तो वो मैंने करवानी है, ड्यू है अभी, मुझे बीच में टाइम नहीं मिल रहा, मुझे जाके करवानी है अभी। अच्छा, इसी महीने मंथ में करवानी है मुझे, क्योंकि 6 महीने कंप्लीट होने से पहले दूसरी करवानी होती है। ठीक है, 5000 किलोमीटर पे उन्होंने बोला था, बट मेरी 3000 किलोमीटर ये चल चुकी है और 6 महीने होता है, विच एवर इज अर्लियर ना, वो होता है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 6 महीने में करवा लेना, चाहे आपकी 5000 किलोमीटर चले चाहे ना चले। तो क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सर्विस का? फर्स्ट सर्विस का सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले सर्विस में थोड़ी सी एवरेज थोड़ी डाउन थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई तो उसके बाद मेरी एवरेज थोड़ी सी अप हुई। आपने बताई उनको प्रॉब्लम्स? मैंने बताई उनको कि थोड़ी सी ये सिटी में थोड़ी सी कम दे रही है। अच्छा, तो उन्होंने सुनी, वो रिजॉल्व करते हैं इश्यूज को, ऑब्जर्व करा उसी को। सर्विस स्टेशन भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड करा मुझे। वहाँ पे उनकी स्क्रीन लगी हुई है, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो वो अंदर से जाने अलाउ करते नहीं है, बट मैंने वहाँ पे कोई स्पेशल केस हो तो उसके लिए आप जा भी सकते हैं, उस जा सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। तो मैंने वहाँ पे बैठ के सारा अपनी गाड़ी अपनी देखी वहाँ पे, तो सिर्फ एक फाइल चार्ज लगा मेरा सर्विस में फर्स्ट 70 रुपीज या 80 रुपीज। अभी सेकंड सर्विस होनी है, उसमें भी शायद मेरी 4-5 सर्विसेज फ्री हैं, उसके अंदर भी शायद मेरा इतना लगेगा। बाकी वो कुछ कह रहे थे कि अगर आप इसके ऊपर वो करवा लेंगे, क्या कहते हैं, कोटिंग करवा लेंगे, तो वो आपके स्क्रैच वगैरह में पेंट प्रोटेक्शन हो जाएगी, उसमें रहेगी। बाकी उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो करवा लूँ, उसका मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो करवा लेनी चाहिए कि नहीं, तो मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करके वो मैं करवा लूंगा। ठीक, तो अगर इसकी एंड में बात करें अर्पित, अगर रेटिंग की बात करें, 10 में से कितने रेटिंग दोगे, कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस, जब आप चलाते हो कंफर्ट कैसा है, सर्विस कैसी है, सारी चीजों का माइंड में रखे, 10 में से कितनी रेट करोगे? सर मैं अगर मैं बात करूं 10 में से अगर मैं दूंगा, अभी तक जो मेरी करंट सिचुएशन है, जिस पोजीशन पे मैं हूं, जो मेरे जितनी मेरी जेब है सब कुछ करके, मैं 10 में से इसको 9.5 तक दूंगा। मैं 9.5 तक दे देंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और आधा जो कटा है वो किस रीजन से कटा है? आधा इस रीजन से कटा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी का ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी, मुझे थोड़ी सी गाड़ियाँ चिपकी हुई अच्छी लगती हैं रोड के साथ। कभी कभार मुझे ये फील होता है कि जैसे कुछ बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो थोड़ी सी गाड़ी नीचे आवाज लग जाती है, आगे सस्पेंशन नहीं लगता। अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नीचे फील होता है कि कुछ लगी है चीज। अच्छा, कुछ जरा सा हल्की सी आवाज आती है, हल्की सी आवाज आती है, वो मुझे लग रहा है कि शायद अलॉय व्हील मैं डलवाऊंगा तो थोड़ी सी गाड़ी ऊंची हो जाएगी उससे, तो वो शायद उससे वो चीज कवर अप हो जाए। बाकी मुझे इस चीज के अंदर थोड़ा सा फील होता है, वो मुझे थोड़ा सा देख के चलानी पड़ती है, बहुत बेकार फील होता है जब वो नीचे लगती है, तो दिल में कुछ कुछ होने लग जाता है कि गाड़ी को कुछ हो तो नहीं रहा, तो मैं उतर के देखता भी हूँ। बाकी ऐसा नहीं होता कि आगे कहीं लग गया, लेकिन होता है तो वो नीचे ही फील होता है, नीचे की तरफ से फील होता है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ हरप्रीत, जिन्होंने अपना ओपनली अपने गाड़ी के बारे में रिव्यू शेयर किया। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिंगिंग भी करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हरप्रीत आप थोड़ा, आपके कितने सॉन्ग अभी आ चुके हैं मार्केट में? मेरे 2 सॉन्ग आ चुके हैं अभी। अच्छा, लास्ट ईयर मेरा गाना आया था बिगिनर, तो अभी रिसेंटली मेरा 3-4 महीने पहले गाना आया है सोलमेट। अच्छा, तो दो दो लाइनें, दोनों सॉन्ग्स की दो दो लाइनें हो जाए। हाँ जी सर, श्योर, मैं आपको दोनों गाने की थोड़ी थोड़ी लाइनें सुना दूंगा। ठीक है, पहला गाना थोड़ा हिप हॉप जॉनर में था, और दूसरा गाना सैड थोड़ा रोमांटिक में है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग जॉनर है, तो मैं आपको दोनों सुना देता हूँ। चलिए। ओ तारे धुंदले जे पए हजे किस्मत दे रब चानण वी पाऊ होली होली करके, हो निगा बाज दी दहाड़ साडी शेर वरगी, टैम मारूगा आवाज अगे बा करके, वहम करूं सारे दूर टैम लगूगा जरूर, रह के धरती दे देखी जित लैणा मूणिया, हो माड़ा समा गया बीते आउण लगे मेरे गीत, वेखी चल यार तेरा कमिंग सून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला मेरा पहला गाना था बिगिनर, और दूसरा गाना जो मेरा अभी हाल ही में रिसेंटली रिलीज हुआ है वो है सोलमेट, तो मैं आपको उसकी कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ। मेनू अज भी है याद साड़ी पहली मुलाकात, जो तू मेनू वेख मिठा जे हसया, हो मैं भी उत्तों उत्तों तेरे सामने सी संग दी, उस दिन तो ही दिल नू तू बाला जचया, हो वांग राजियां ते राणियां दी लाई पूणियां, वांग किंग ते क्वीन जही लाई पूणियां, स्टोरी जिंदगी दी कीती मैं नरेट वे, हो गल इक्की अद्धे साले आली मैं थोणी ना, तू मेरी जिंदगी दा सोलमेट वे, हो गल इक्की अद्धे साले आली मैं थोणी ना, बन मेरी जिंदगी दा सोलमेट वे। हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्पित, थैंक यू सर। तो बाकी अभी मेरा अभी थोड़े टाइम में, अभी थोड़े दिनों में अभी एक मेरा नया गाना आने वाला है, वो मैं आपको
सर आपको उस चीज की भी अपडेट बता देंगे, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन जब आएगा तो। ठीक है, अपना इंस्टा आईडी भी एक बार बता दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है हरप्रीत ऑफिशियल 1, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये हरप्रीत हमारे फ्यूचर आर्टिस्ट हैं जो आज हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो मेरे कहने पे इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और हमें आज अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया। आने वाले टाइम में ये हमें वीडियोस में ही दिखा करेंगे, सामने तो मुश्किल ही हो जाएगा। ठीक है हरप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चैनल। ठीक है, होप टू मीट यू सून, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।